आवाज ना थोड़ा ब्रेक ब्रेक हो रहा है दीदी। दीदी आपका आवाज ना थोड़ा ब्रेक ब्रेक हो रहा है। ओके प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रही हूँ। नो दीदी नो दीदी। ऑलराइट ऑलराइट लेट्स क्विकली वॉच दिस वीडियो। हाँ पहले वीडियो देखते हैं कैसे हमको करना है लॉगिन। नो दीदी दीदी मेरा हो गया, मेरे पास वाईफाई इसलिए मेरे फटाफट हो गया डाउनलोड, वो भी गया अभी। ओके आयुष अभी मैम क्या अभी। करना है देखो स्क्रीन में मैं क्या बता रही हूँ वो करना है। मैम क्या करना है हमको स्क्रीन में क्या बता रही हूँ वो देखो। Hi children, good morning. So to log into Google Classroom, you need to find Google Classroom in your apps and click on it. It will show you something like this. And then you have to click on one second you have to click on get started and then it will ask you your Google account that you need to access. So तुम्हारे tab में already एक Google Gmail account है, उसमें आपको click करना है और फिर ओके दबाना है। एंड दिस इज हाउ यू विल बी लॉग्ड इनटू गूगल क्लासरूम ऐप। सबको समझ आया क्या करना है? दीदी दीदी मुझे नहीं समझ आया। लास्ट में तो वो नहीं आया था गूगल क्लासरूम का, मतलब आपने उसके बाद गूगल क्लासरूम में हम लोग गए, फिर मैं चला गया ना तो उसके अंदर बस कुछ नहीं आया था। दीदी वो कोड मांग रहा है, मतलब हाँ कोड मांग रहा है ना, दबा रहे तो हाँ कोड मांग रहा है वो। ओके रिलैक्स रिलैक्स, उस पर भी हम पहुंचेंगे। सब बच्चों को ये तो करने दो कि वो दीदी मुझे नहीं समझ आ रहा। पहले दीदी माय डन गूगल क्लासरूम पर क्लिक करो। दीदी मेरा आया था बट ना वो अलग ही दिख रहा है कुछ तो बताओ। दीदी किस पे से जाना है? आपके फोन में आपको डाउनलोड करना था प्रतीक्षा गूगल क्लासरूम ऐप। मैंने कल ही मैसेज किया था। अगर लिसन टू मी इफ यू हैव अ डाउट यू विल रेज योर हैंड। सारे बच्चे एक साथ बात नहीं करेंगे क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो यू विल रेज योर हैंड फर्स्ट। दीदी मेरे जो टैब है मैंने लॉग इन किया तो मुझे ना इससे अलग दिखा रहा है, क्या पूरा व्हाइट व्हाइट स्क्रीन दिखा रहा है। ऊपर ऊपर लिख रहा है ना दिस वीक दिस वीक दिस लिंक वीक। दीदी मैम रीस्टार्ट करो देखो समझ नहीं आया। To Google Classroom in your apps and click on it will show you something and then you have to click on now children can you tell me आपने अभी बोला हमें पेड़ों को पानी देना चाहिए, क्या हमने पेड़ों को पानी देना चाहिए? Can you mute yourself? बहुत आवाज आ रही है। Thank you.
क्या आप लोग को ऐसा दिखाई दे रहा है? सी माय स्क्रीन ऐसा दिखाई दे रहा है? स्क्रीन मत देखो मेरा, यस दीदी ऐसा दिखाई दे रहा है, यस दीदी यस दे दे यस, सबको ऐसा दिखाई दे रहा है, यस यस दे रहा है, यही दिखना चाहिए, करेक्ट दिखना चाहिए, एंड अदर नेसेसरी आइटम्स हम लोग पेड़ों को काटते ही है। और दीदी मैंने कल ही कर दिया था। ऑलराइट ओके कल कर दिया था मैंने दोस्तों। ओके अब मैं आप सबको अपने अपने क्लास कोड दिखाऊंगी, ठीक है? वो क्लास कोड आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ, एक मिनट रुको। दीदी मुझे आता है, नहीं दिख रहा, आता है बट क्लास कोड पता है क्या आपको? आता है कुछ भी मतलब, हाँ दीदी मैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना वैसे नहीं दिख रहा मेरा स्क्रीन, लिखा है कि मैंने किया है वो नहीं, जो मैं कैमरा पे बता रही हूँ वो देखो हर्ष, वही मैम आप हाँ। आपका मेरा दिख रहा है ना वैसे नहीं है, वहाँ पर लिखा है डोंट सी योर एक्सेप्टेड क्लास और उसके बाद लिखा है ट्राई अनदर अकाउंट। मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो हर्ष। ओके मैम आई विल हैव टू म्यूट ऑल ऑफ यू क्योंकि तुम लोग बहुत शोर कर रहे हो। दीदी आपने जैसा, हाँ अभी कोई नहीं बोलेगा, जय म्यूट कर दिया है मैंने, हाँ अभी हम एक और वीडियो देखेंगे उसमें सारा दीदी आपको बता रही है कि आपको कैसे कोड डालना है, ठीक है? गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हम आज हमारे गूगल क्लासरूम को लॉगिन करना सीखेंगे। ये हमारा गूगल क्लासरूम है जिसको आपने ओपन किया, जब आप ओपन करोगे तो आपका स्क्रीन कुछ इस तरह नज़र आएगा। अब आपने कोई क्लास ज्वाइन नहीं की है तो जब आप अपने ईमेल आईडी को यूज़ करके लॉगिन करोगे तो ये आपका फ्रंट पेज होगा। फ्रंट पेज पर आने के बाद यहाँ जो प्लस साइन है आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा ज्वाइन क्लास, आप ज्वाइन क्लास को क्लिक करेंगे। यहाँ पर ज्वाइन क्लास के बाद आएगा क्लास कोड, दीदी ने जो आपको क्लास कोड भेजा है, आपको जो दीदी क्लास कोड भेजेगी पर्सनल पे भेजेगी वो क्लास कोड आप यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे ही आप टाइप करेंगे फॉर एग्जांपल दीदी का क्लास कोड है, थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों का क्लास कोड है ये, ठीक है? तो दीदी तो पूरा नहीं आया, G7HOI2J। जब आप इसमें आपका पास कोड जो क्लास कोड है आप डाल दोगे तो आप यहाँ पर ज्वाइन पे क्लिक करोगे, जब आप ज्वाइन पे क्लिक करोगे तो आप अपने क्लास में ज्वाइन हो जाओगे। ये हो गई थर्ड स्टैंडर्ड थर्ड ए की क्लास। इसी तरह हर क्लास के बच्चे के लिए थर्ड ए थर्ड बी और थर्ड सी के बच्चे के लिए क्लास कोड आएगा, आपको वो क्लास कोड यूज़ करके अपनी क्लास में एंटर करना है। ओके okay, चिल्ड्रन so, जो प्लस साइन यहाँ दिखाया गया था ये प्लस साइन पर आपको अभी क्लिक करना है, ठीक है? वो प्लस साइन पे क्लिक करने के बाद अभी मैं आपको आपकी डिवीजन का कोड बताऊंगी, वो डिवीजन के कोड से आपको एंटर करना है अपने डिवीजन की क्लास में। Is that clear? हर्ष देखो यहाँ पर भी कोई दिख रहा है, do you try another account, don't see your existing classes, same thing, okay? Don't worry. सिर्फ ये प्लस अगर आपको यहाँ दिख रहा है सब बच्चों को तो प्लस पे क्लिक करो, ओके? प्लस पे क्लिक करने के बाद आई विल शो यू वन कोड नाउ, वो क्लास कोड है, ए डिविजन का अलग है और बी डिविजन का अलग है, ठीक है? तो सब ए डिवीजन के बच्चे ये रेड वाला कोड डालेंगे, एस एल ई पी डब्ल्यू एन जी सब स्मॉल लेटर्स, और बी डिवीजन के जो बच्चे हैं वो ब्लू कलर वाला कोड डालेंगे,
SPLH5EJ. देखो अलग अलग लेटर्स है, ये कोई वर्ड नहीं है, एकदम जम्बल्ड लेटर्स है, इसको ध्यान से देखो और लिखो. अगर कोई भी एक लेटर आप गलत लिख रहे हो तो एंटर नहीं हो पाओगे. यस उज़ैफा, सब सब वर्ड स्मॉल स्मॉल में लिखना है, फोर yes, बी को भी सारे लेटर्स स्मॉल में. ये बी वाला पार्ट okay. नहीं, ये जो मैंने व्हाइट में लिखा है ये SPLH5EJ ये स्मॉल में लिखना है, सब स्मॉल में. हाँ यस श्रावणी, मैम मैम हमारा तो होता है ब्लू का, ब्लू ब्लू. श्रावणी यू डोंट नो आप कौन से डिवीजन में हो, बी. हाँ बी में ना, तो बी वाला ब्लू में है, बी डिवीजन दिखा है ना यहाँ पर. सब लेटर्स स्मॉल यूज करने हैं, अगर नंबर आ रहा है तो नंबर यूज करो. हेलो आयुष, प्लीज डोंट कॉल मी व्हेन वी आर इन क्लास. आप चैट पर भी लिख सकते थे ये. यस जय, टेल मी दीदी, अपना अदर ग्रेड फोर भी ब्लू आया तो उसके बाद हमें क्या करना होता है? बस अभी वहीं तक रहना है, हम एक मीटिंग लेंगे इसके बाद, जब हम तुमको सारी फीचर्स बताएंगे गूगल क्लासरूम के, कि वहाँ क्या क्या हम कर सकते हैं, कहाँ असाइनमेंट आ सकते हैं, ऑल ऑफ दैट. अभी सिर्फ हम लॉग इन करके रखेंगे. ओके दक्ष, टेल मी अबे हम लोग फोन करेंगे दीदी. वो क्लास कोड मांग रहा है अकाउंट का. हाँ आपका क्लास कोड मैंने आपको बताया ना, बी डिवीजन का ये है ब्लू कलर में SPL. रुको रुको, मतलब SPL5EJ ये जो है ना, ये वाला आपको टाइप करना है, सब स्मॉल लेटर्स. यस श्रावणी, करेक्ट. यस ईश्वरी, इफ यू हैव रीच्ड योर क्लासरूम डिवीजन प्लीज टाइप अ यस और नो ऑन द चैट. सौरभ इज फिनिश्ड. नाउ देयर आर फोर असेसमेंट्स, या दे आर जस्ट ट्रायल के लिए था, यू डोंट हैव टू डू इट. ओके ऑल ऑफ यू हैव डन. यस श्रावणी सॉरी ईश्वरी, क्या हुआ, पूछना था आपको कुछ? यस पायल दीदी. मैंने वो जो आपने इधर दिया है ना, बोलते बर्फ वो वाला मैंने लिख दिया, बाद में मैं वो हो गया, लेकिन वो कुछ तो और आ रहा है उधर. क्या आ रहा है दीदी? एकदम लाइन टाइप का आ रहा है. मुझे बताओ तो क्या आ रहा है, स्क्रीनशॉट भेज के बताओ, तब पता चलेगा ना दीदी को. ओके इंग्लिश के ग्रुप में. हाँ या तो मुझे पर्सनली भेजो, इंग्लिश ग्रुप में मत भेजो. दीदी पर्सनल नंबर नहीं आता मेरे पास. मैं जिस नंबर से मैसेज करती हूँ ना ग्रुप पे, उसके ऊपर क्लिक करो मेरे नंबर पे. ओके यस कॉस्ट्यूम दीदी माय डन. वाह वेरी गुड, उसके लिए हैंडल्स किया है कॉस्ट्यूम. हाँ उज़ैफा यू हैव अ डाउट, इफ यू डोंट हैव अ डाउट पुट योर जूम हैंड डाउन. डाउट नहीं है तो जूम हैंड नीचे करो सब लोग. हाँ दक्ष दीदी. हम्म, मैं जब भी मैंने क्लास कोड डाला ना
तभी मेरा उधर लिनोवो दिखा रहा है और वो डिसमिस दिखा रहा है। सेंड स्क्रीनशॉट। सेंड स्क्रीनशॉट बेटा, स्क्रीनशॉट भेजो। ओके सुमेध, डिड यू जॉइन द क्लास नाउ? सुमेध, सावन जी, यस, टेल मी योर क्वेश्चन। जी मेरा हो गया। ओके वेरी गुड सावन जी, पुट योर जूम हैंड डाउन। श्रेयस वो हमको करना नहीं है, डोंट वरी, वो सब दीदी प्रैक्टिस कर रहे थे कैसे वर्कशीट डालना है, वो है, यू डोंट हैव टू डू द वर्कशीट। ओके अंश इज डन। ओके वेरी गुड वेदांत, यू हैव अ क्वेश्चन? फाइल अभी तक भेजा नहीं, कैसा दिख रहा है? दीदी मेरा नहीं हो पा रहा है। दक्ष, आपने यहाँ गलत क्लास कोड एंटर किया है, ध्यान से देखो क्या क्लास कोड है, क्या लेटर्स है, फिर एंटर हो पाएगा। SPLE नहीं है, SPLH है। दक्ष आई एम टॉकिंग टू यू, अगर किसी का भी नहीं हो पा रहा है, हो सकता है आपने स्पेलिंग गलत लिखी हो क्लास कोड की। दक्ष यू हैव एंटर्ड द रॉन्ग क्लास कोड, लुक एट इट केयरफुली एंड देन एंटर। प्रतीक्षा, यस दीदी, स्टार्ट करने के बाद आपका नाम आएगा ना? हाँ, आपका ग्रेड 4 ए। बट दीदी मैंने स्टार्ट किया ना टैप के टैप में से, तो आपका नाम नहीं आ रहा था, कोई प्राइमर आकांक्षा कुछ नाम आ रहा था। हाँ, दैट इज योर ईमेल आईडी प्रतीक्षा, वो क्लिक करना है और ओके दबाना है, फिर आप गूगल क्लासरूम में हो जाओगे एंटर। उसके बाद आपको प्लस साइन पर क्लिक करना है। प्लस साइन पर क्लिक करने के बाद ये क्लास कोड डालने के बाद आप मेरे क्लास में एंटर होगे। ओके दीदी, ओके, थैंक यू, वेलकम। यस लकी बेटा, आगे भी मुझे कुछ बताना है आप लोगों को, तो जल्दी जल्दी कर लो ये। मैम मेरा नहीं हो रहा है। क्या बता रहा है? मैम मैं बोला था गूगल फॉर्म के कैसे करना है, वो मुझे नहीं मालूम हो रहा है। गूगल क्लासरूम आपके फोन या टैब में है डाउनलोड किया हुआ? मैम मैं बोल रहा था मेरे टैब में नेटवर्क नहीं है, तो मैं अपने मम्मी के मोबाइल में पढ़ रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, वहाँ कर लो, ठीक है। गूगल क्लासरूम किया कि नहीं डाउनलोड अभी तक? नहीं मैम। हाँ तो करो जल्दी गूगल क्लास। हुज़ैफ़ा, यस दीदी, हम दूसरे मोबाइल में भी डाउनलोड करके लॉगिन कर सकते हैं? आयुष, सौरभ दीदी, हमारे टैब में भी है ना गूगल क्लासरूम? किसके टैब में? देख रहा था वो मिला टैब में, टैब में। हाँ उसमें भी है गूगल क्लासरूम, यस यस मैंने देखा, मैंने अपन के मोबाइल में से डिलीट कर दिया और इसमें चालू किया। अच्छा कोई बात नहीं, आप टैब से भी कर सकते हो एंटर। और दीदी हमने मोबाइल से किया दूसरे का, हमारा जीमेल आईडी लगेगा ना? हाँ जीमेल लगा ना? हाँ जीमेल आईडी। नहीं अगर आपके पास टैब्स है तो उसमें ऑलरेडी जीमेल आईडी है आपका, इसीलिए वो पूछेगा नहीं, वो डायरेक्टली एंटर हो जाएगा।
ऐसे मैंने यहाँ नहीं ओके आई एम श्योर इफ समवन हैज डाउट्स लेट मी क्लियर दोस डाउट्स हाँ हाँ दक्ष बोलो दीदी मेरा कुछ ऐसा दिखा रहा है रुको कैसा दीदी मैंने भेज दिया लेकिन वो वाला क्लिक नहीं हो रहा है मैंने इंग्लिश के ग्रुप में भेज दिया है इंग्लिश के ग्रुप में भेजा है हाँ तो आ तो गए हो क्लास में 4A में हो गया पायल डन गुड चलो फिर हाँ श्रावणी भी आ गई है थैंक यू श्रावण जी फॉर हेल्पिंग आप क्लास में सबको बता रहे हो थैंक यू हो गया दक्ष आप एंटर हो चुके हो डोंट वरी सौरभ यू हैव अ क्वेश्चन नो ओके ठीक है सो आई थिंक नाउ मोस्ट ऑफ द डाउट्स आर क्लियर यस दीदी लेकिन पर जब मैंने एंटर किया तो उसके अंदर वो मांग रहा था क्या क्लास कोड ईमेल आईडी हाँ ईमेल आईडी तो आपने क्लिक किया ना ईमेल आईडी पे आपके यस हो गया ना एंटर सौरभ कितना टाइम पास यस कृष्णा दीदी मेरा हो गया ओके कृष्णा आवाज सुनी नहीं थी मैंने तुम्हारी फाइनली सुनने मिल गई चलो ओके चलो डन ग्रेट आई थिंक नाउ सबके डाउट्स क्लियर हो गए और सब एंटर भी हो गए क्लास में इफ स्टिल Children have not entered the class. मैं उनकी क्लासरूम की लिंक भेज दूंगी तो आपको सिर्फ वो क्लिक करके एंटर होना है क्लास में ओके डोंट वरी सब हो जाएंगे एंटर नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज वन मोर न्यूज दैट आई एम सपोज्ड टू गिव टू यू ऑल एंड दैट इज ऑन 28th जनवरी वी विल हैव एन ओरिएंटेशन ये ऐप को लेकर तो पेरेंट्स और बच्चे दोनों से हम मिलेंगे 28 जनवरी को उसमें हम आपको बताएंगे कि ऐप कैसे यूज होता है आप लोग उसमें होमवर्क कैसे अपलोड कर सकते हो जो नोटिफिकेशन आएगी जो टीचर अगर आपको कोई असाइनमेंट भेजेगी तो आपको वो कैसे दिखेगा ग्रुप के ऊपर ओके फिर अगर आपके कोई और डाउट्स या क्वेश्चंस है हम तब वो सॉल्व करेंगे और फिर धीरे 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 करके हम WhatsApp ग्रुप्स को बिल्कुल बंद कर देंगे WhatsApp पे अब होमवर्क शेयरिंग नहीं होगा ज्यादा होमवर्क शेयरिंग होगा गूगल क्लासरूम के ऊपर ठीक है सो वेरी स्लोली अभी हमको ज्यादा पता नहीं है ऐप के बारे में तो तब तक हम WhatsApp ग्रुप्स भी यूज करते रहेंगे धीरे धीरे जब हमको गूगल क्लासरूम एकदम अच्छे से आ जाएगा उस पर अच्छे से अपलोड करने आ जाएगा होमवर्क तब हम सिर्फ गूगल क्लासरूम यूज करेंगे तब तक WhatsApp ग्रुप और Google Classroom दोनों बना रहेगा ओके टिल यू ऑल आर वेरी कॉन्फिडेंट कि यस दीदी हमको सिर्फ Google Classroom चलाने आ गया है अब हमको WhatsApp ग्रुप की जरूरत नहीं है तो हम डायरेक्टली WhatsApp Google Classroom को शिफ्ट हो जाएंगे फिर कोई भी WhatsApp ग्रुप नहीं रहेगा ओके सो दिस इज व्हाट इज आवर प्लान एंड वी ऑल वांट यू ऑल टू सपोर्ट अस सारे बच्चे और पेरेंट्स जब हमको सपोर्ट करेंगे इसमें तो ये हो पाएगा वरना हम लोग हमेशा WhatsApp ग्रुप में ही रह जाएंगे और इतने सारे मैसेजेस रोज आते रहेंगे हमको ओके सो वी नीड टू मूव टू गूगल क्लासरूम हमको मूव करना जरूरी है और तुम्हारा सपोर्ट भी जरूरी है किड्स का भी सो 28 जनवरी को ये होगी मीटिंग आई वांट यू ऑल टू टेल योर पेरेंट्स की मम्मा पापा देयर इज अ मीटिंग ऑन 28th जनवरी 28 जनवरी को मीटिंग है जो दीदी लेने वाली है गूगल क्लासरूम के बारे में बात करेंगे और दूसरी चीजों के बारे में अब इसके बाद एक और चीज है जो मुझे आपको बतानी है एंड दिस इज ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी इम्पोर्टेंट
So tomorrow you all will be getting a chance to meet students from another country. Okay? आप लोगों को एक चांस मिलेगा कल स्टूडेंट से मिलने का जो दूसरी कंट्री से है ऑनलाइन. ओके, यू विल गेट अ चांस टू स्पीक टू देम. आप जूम के ऊपर उनसे बात कर सकोगे, उनको देख सकोगे वो कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, ऑल ऑफ दैट यू कैन डू. एंड दे आर फ्रॉम विच स्कूल? दे आर फ्रॉम माउंटेन व्यू इंटरनेशनल स्कूल जो साउथ अफ्रीका में है. ओके, हम यहाँ है मुंबई, यहाँ है, सी माई माउस मुंबई यहाँ पर है इंडिया में, और हम बात करेंगे इधर साउथ अफ्रीका में, इतना दूर मलावी में. ओके, सो इतना बड़ा अरेबियन सी उसके बीच में आता है, हम इतनी दूर वो बच्चों से बात कर पाएंगे. ठीक है, सो इट्स अ वेरी नाइस चांस फॉर ऑल ऑफ अस टू इंटरैक्ट विद डिफरेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. अलग उनके तरीके होंगे रहने के, ऑल ऑफ दैट वी विल सी. ओके, तो कल हम बात करने वाले हैं उनसे. And the school is in South Africa, not India, not anywhere near India. South Africa mein wo school hai. And it will be at 11 a.m. in the morning. So you all have to be well-mannered. अच्छे से बैठना है, उनके सामने अच्छे से बिहेव करना है, म्यूट अनम्यूट करके चिल्लाना नहीं है, ऐसे कुछ भी बातें नहीं करनी है. We have to be well-behaved, well-mannered. अच्छे से हमें बैठना है उनके सामने, so that हमारी school का भी impression अच्छा पड़े उनके ऊपर. फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन. वो जैसे हमको अभी देखेंगे वो वैसे ही हमको हमेशा याद रखेंगे. तो वी हैव टू बी नाइसली बिहेव. हमेशा म्यूट पर रहना, हम ऑब्जर्व करेंगे. ज्यादा बच्चे क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कैसे बात हो रही है, क्या हो रहा है, किस बारे में बातें हो रही है, ऑल ऑफ दैट. एंड वन मोर थिंग, इज हर्षिता देयर इन द क्लास टुडे? हर्षिता आर यू देयर? Harshita is not there. Oh my God. But we have thought that Harshita will be introducing you all to them. Harshita introduce karegi aap sabko un sab bachchon se. To wo baat karegi starting mein. She will say good morning to them and she will introduce our school to them. Aur phir wo session start hoga. It is only a 15 minute session. Sirf 15 minute ka hai. और आपको 15 मिनट के लिए उनसे बात करने का मौका मिलेगा. ओके, सो दैट इज वन मोर न्यूज दैट आई वांटेड टू गिव. आर यू ऑल एक्साइटेड? यस, नो, कृष्णा इज ऑलरेडी सो एक्साइटेड. ओके, सौरभ इज आल्सो वेरी एक्साइटेड, आई कैन सी. यस पायल. दीदी टाइमिंग क्या है इसका? टाइमिंग हाँ, ये जो कल 11 बजे. ओके, सो जो 11 बजे कल क्लास होने वाली है वो नहीं होगी, हम यही मीटिंग होगी उस टाइम पर, सो डोंट वरी. ओके, यस दक्ष. दीदी कल ज्वाइन करना है ना? हाँ, इसमें कल, हाँ इसमें कल ज्वाइन करना है. We will send you the link, आपको उस लिंक पर ज्वाइन करना होगा कल. क्लासरूम से ज्वाइन करना है क्या व्हाट्सएप से? व्हाट्सएप से अभी व्हाट्सएप ही यूज होगा फिलहाल, धीरे धीरे करके क्लासरूम यूज करेंगे. ओके, I think now we don't have any questions. I am also very excited, children. Bahut excitement hai. We want to meet children from other schools. Maza aayega. Okay. So with that, we can end this meeting. And then we will have a short break of 5 to 7 minutes. Then you can join English class at 9:45 को कुछ फिर भी डाउट आ रहे हैं आपको गूगल क्लासरूम से रिलेटेड तो मुझे सेंड करो पर्सनली, मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगी. ओके, बाय चिल्ड्रन.
Bye.